हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि रीजनिंग सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो और एक्यूरेसी भी बनी रहे। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट में बताऊंगा आपको रीजनिंग सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज होने लग जाए और आप बूस्ट करो अपने मार्क्स और आपको कॉन्फिडेंस आए रीजनिंग सेक्शन के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। तो ये सिर्फ प्रीलिम्स में किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, तो प्रीलिम्स की रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे हम। इसमें काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आप वीडियो को जरूर देखना, इसे कंप्लीट देखना कंप्लीट, और ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना। ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के बाद आप जब मॉक टेस्ट लगाओ ना, अब से 3 से 4 मॉक टेस्ट के बाद अगर आप इस तरीके से नहीं लगाते हो रीजनिंग सेक्शन को, तो आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट के बाद आदत पड़ेगी। तो 3 से 4 मॉक टेस्ट के अंदर अपनी आदत डालना और देखना आपके मॉक बाई मॉक मार्क्स इंक्रीज होंगे इस स्ट्रेटेजी के साथ। तो कुछ टिप्स भी मैं दूंगा मैं इस वीडियो में आपको, वो भी देखना किस तरीके से हम इन टिप्स के साथ थोड़ा और अच्छे वे में अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद एक काम जरूर करना, अगर आपको ये फायदा दे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और उस कमेंट को मैं पिन जरूर करूंगा। तो जो भी कमेंट करेगा, जिसको भी फायदा हुआ है, जिसको फायदा होगा और हुआ है, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं उस कमेंट को जरूर पिन करूंगा ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं टिप्स की। देखो, टिप्स कह लो या ट्रिक्स कह लो, तो ये मेरे खुद के फाइंड की हुई चीजें हैं। सबसे पहले देखो, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो जिन भी बच्चों को पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम होती है, भाई ये 3 चीजें अडॉप्ट करो। सबसे पहले रीडिंग स्पीड अपनी अच्छी करो, फर्स्ट थिंग रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पजल के अंदर। जितना जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी नोट करोगे, हमेशा ध्यान रखना। फटाफट रीड किया करो, 2-2 लाइनें एक बार में रीड किया करो और अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। अंडरस्टैंडिंग से मतलब होता है लाइक आपने एक लाइन पढ़ी और एक लाइन में ग्रामर यूज करते हैं, लाइक वो हु विच इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो कौन से एलिमेंट को किस चीज से कनेक्ट कर रहा है, वो उस चीज को समझने की अंडरस्टैंडिंग। आप उसको गलत इनफर नहीं कर सकते, अगर आपने गलत इनफर किया तो वो पजल गई समझ लो, फिर वो बनने वाली नहीं है, वो आपके बहुत टाइम खा जाएगी, क्योंकि रिक्वायर्ड टाइम होता है और रिक्वायर्ड टाइम मिलने के बाद हमने पॉसिबल वे में सिर्फ 1 से 2 पॉसिबिलिटी के अंदर पजल बनानी होती है, इतना ही समय हमारे पास होता है प्रीलिम्स के अंदर। देन उसके बाद आता है एक थर्ड चीज जो कि इम्पॉर्टेंट है, जब आप पजल रीड कर रहे होते ना, तो रीड करते हुए आप अगर लैपटॉप से लगा रहे हो तो ये लैपटॉप वालों के लिए फंडा काम करेगा। तो अगर आप लैपटॉप से मॉक टेस्ट देते हो तो पजल रीड करते समय आप एरो यूज किया करो, जो एरो है ना आपका रीड करते टाइम, इस तरीके से यूज किया करो जिस भी लाइन को रीड कर रहे हो। और जैसे ही आप रीडिंग कर लेते हो एक लाइन, जब आप लाइन छोड़ते हो अपनी कंडीशन नोट करते हो, तो एरो को वहां पर छोड़ दिया करो, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पर देखोगे रीड करने के लिए दोबारा, तो आपको पता है आपने जहाँ एरो छोड़ रखा है वहां से ही आपको स्टार्ट करनी है रीडिंग। तो दैट्स मीन आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि फिर आपसे लाइन्स स्किप नहीं होंगी यहाँ पर। तो ये लाइन स्किप जिनके साथ होती है ना, लाइन जो स्किप कर देते हैं कि वही बीच में ये वाली लाइन छोड़ दी, तो इस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये मैं यूज करता था बिल्कुल, और अब भी करता हूँ, तो मैं इसी तरीके से एरो के साथ रीड करता हुआ चलता हूँ और एरो को वहीं छोड़ देता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब स्क्रीन पर देखूँ तो वहीं से स्टार्ट करूँ पजल। तो ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लिए, तीनों चीजें काम आएंगी पजल के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो अटेम्प्ट के ऊपर बात करेंगे अब हम, कि अटेम्प्ट किस तरीके से रीजनिंग सेक्शन को बेस्ट तरीके से करना चाहिए। तो बेस्ट तरीका क्या रहता है, देखो सबसे पहले जैसे ही रीजनिंग सेक्शन होता है ओपन, तो आपको ढूंढने हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। अब मिसलिनियस क्वेश्चन कोई से भी हो सकते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाना है, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस ढूंढूंगा, नहीं, कोई भी मिसलिनियस टॉपिक हो। 12 से 13 क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता है सबको 12 से 13 क्वेश्चन भाई हमारे पास रहते हैं मिसलिनियस के। वन लाइनर को स्किप कर देना, यहाँ पे वन लाइनर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं उन वाले टॉपिक्स की। डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, इन सारे टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये ढूंढो और फटाफट लगा दो। इसके लिए आपको देने होते हैं 6 से 7 मिनट्स। ये 6 से 7 मिनट बताए मैंने मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपको इतना लग सकता है। और जब ये आसान टॉपिक्स आते हैं तो आपको लगेंगे सिर्फ 4 से 5 मिनट्स। तो आपको इतना सेट रखना है 6 से 7 मिनट्स के, बस इसके ड्यूरेशन में, इतने ड्यूरेशन में आप 12 से 13 क्वेश्चन अपने लगा लो। तो देखो मिसलिनियस पहले अटेम्प्ट करने से क्या होता है, आपका बूस्ट मिल जाता है आपको। बूस्ट मतलब इन द सेंस
आपने 12 से 13 क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब ये तो मेरे हो चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं और मैंने लगा भी दिया। अब मेरे पास जो बचा है उसके अंदर मैं 2 से 3 पजल उठाऊंगा और मेरे 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में अटैम्प्ट हो जाएंगे। पीओ की बात कर रहा हूँ इस टाइम में, तो वो एस क्लर्क में समझ लेना, क्लर्क के अंदर 20, क्लर्क के अंदर तो बच्चे 33-35 भी करके आते हैं हमेशा। तो ये वाला टॉप मिसलिनियस सबसे पहले उठाना है आपको, 6 से 7 मिनट में करना है। अब बात आती है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की। अब देखो, जब आप ये मिसलिनियस सर्च कर रहे होते हो ना, जब आप मिसलिनियस सर्च कर रहे होते हो तो पजल की एक एक लाइन इन द सेंस, बस फटाफट थोड़ा सा व्यू लेते हुए चला करो। व्यू इसको कहते हैं, थोड़ा सा व्यू, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलोगे कौन कौन सी पजल आई है, कैटेगराइज करना, फिर आपको करना है कैटेगराइज। तो कैटेगराइज इन द सेंस कि आपको ये चीज समझ लेनी है कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट मेरे पास 2 आए हैं, जिसमें से एक लीनियर वाला है, एक सर्कुलर वाला है, या एक रेक्टेंगुलर वाला और स्क्वायर वाला है। फिर आप ये समझ लो कि आपके पास पजल कितनी आई है, बॉक्स बेस्ड पजल आई है या फिर मंथ बेस्ड पजल आई है या कौन सी पजल आई है, इस तरीके से कैटेगराइज कर लो। तो देखो, सबसे पहले आपको कैटेगराइज मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कैटेगराइज कर लो कि सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले करूंगा और पजल में करूंगा बाद में, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट सभी का स्ट्रांग होता है और ये आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो कोई सी भी सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर सिंगल लाइन हो और या फिर आपकी स्क्वायर बेस्ड हो या सर्कुलर बेस्ड हो, तो सीटिंग अरेंजमेंट को कैटेगराइज कर लो। इसके पजल के फर्स्ट क्वेश्चन को आप क्या करते हुए चलो, सर्च करते टाइम ही मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चलो। अब जैसे ही आप मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चलोगे ना, तो पजल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पजल का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ब्लू। अब ब्लू जो भी कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपको वापस से उस पजल को उठाने में देर नहीं लगी, आपको सर्च नहीं करना, फिर फटाफट आप उस ब्लू क्वेश्चन पे टिक करोगे और आप सर्च करोगे कि मैं ये वाली पजल करूंगा पहले या ये वाली करूंगा। तो फिर आप बाद में सेटिंग अरेंजमेंट अगर 2 आई है तो उसमें से चूज कर लोगे, भाई पहले में ये वाली आसान ही है, ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल है ये कर लेता हूं, और ये डबल वेरिएबल है तो इसको तो मैं बाद में करूंगा। तो इस तरीके से कैटेगराइज करना है पजल को। तो कैटेगराइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर कैटेगराइज नहीं करना सीखते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है एक तो, और यहाँ पर आप फंसोगे, क्योंकि आप क्या करोगे, आप डबल वेरिएबल पहले उठा लोगे और दो सिंगल वेरिएबल पजल ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो आप डबल वेरिएबल में उठा के आपने 6 से 7 वहाँ पे मिनट वेस्ट कर चुके हो, और फिर आप सिंगल वेरिएबल पे गए और आपको बाद में रिग्रेट होने लग गया, यार सिंगल वेरिएबल आई थी, मुझे ये बनानी चाहिए थी। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दैट, इसकी हैबिट डालो, और ये चीज जब करोगे ना मॉक टेस्ट के अंदर तो बहुत फायदा देने वाली है आपको। आप देखना आपके मार्क्स अभी जितने भी आ रहे हैं ना, उससे +3 मार्क्स कर दो अपने, तो +3 से 4 मार्क्स आपके ऊपर आने लगेंगे। तो इस चीज को फॉलो करो और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर जो भी आपके पास 13 से 14 मिनट बचे होंगे तो उसके अंदर आप पजल लगाओ। अब देखो, ऐसा नहीं होता कि आप चारों ही पजल लगा लो, पीओ के अंदर ऐसा नहीं होता है, आप सेट कर लो। सेट करने का मतलब ये है कि आपने कैटेगराइज करी और आपने 3 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट कैटेगराइज कर ली कि अब मैं यही करूंगा, और इसके अलावा जो चौथी बची है ना उसको तो छुओ ही मत। आप इन तीनों के अंदर अपना इन्वेस्ट टाइम इन्वेस्ट करो और करेक्ट करके आओ बिल्कुल। तो ये चीज बहुत मायने रखती है, उस चौथी को मत छुओ, क्योंकि आपने बहुत नंबर ऑफ मतलब सफिशिएंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, कोई टेंशन नहीं है उसके बाद। तो ये चीज करनी होती है, चारों की चारों पजल हम कभी कभी लगा भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी लगाते हैं। तो ये वो पजल के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप की पजल आई है, कितनी टफ आई है, कितनी मॉडरेट आई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट था वो था पजल और सेटिंग अरेंजमेंट को कैटेगराइज करना, और मिसलिनियस के टॉपिक आपको सारे आने चाहिए, इसीलिए मैं शेड्यूल में जैसे मैंने बताया उसी तरीके से प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए एंड बेल आइकन को हिट करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, आई विल पिन दैट कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।